हम इतिहास नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थी हैं और इस एक विज्ञापन में सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। केवल हम इतिहास नागरिक के 449 अभ्यर्थी बचे हुए हैं। हमारी परीक्षा 2017 में हुई और 18 में रिजल्ट आया, 19 से ज्वाइनिंग देना शुरू हुआ। लेकिन कुछ उच्च न्यायालय में कुछ केस हो गए थे, उस कारण से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो 11 जिले में ज्वाइनिंग दी जा रही है उसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से फलाफल प्रभावित होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर उनको ये दिया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा उनका रिजल्ट, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी उसी कंडीशन में ज्वाइनिंग दी जाए। और एक कार्मिक विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया है जिसमें लिखा गया है कि इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में चूँकि अनुसूचित जिलों में नियुक्तियाँ की जा चुकी है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ज्वाइनिंग हमारे 5 जिलों में हो गई है लेकिन 8 जिलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी भी ज्वाइनिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग हैं। इतना 2016 का वैकेंसी है, अभी तक 11-13 में 24 जिला झारखंड में 11-13 में डिवाइड किया गया, तो हम लोग 13 जिला वाले हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले लोग हैं। तो उसमें से आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5 जिला में हिस्ट्री सिविक्स की नियुक्ति हो गई है, सिर्फ हम लोग 8 जिला वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले की हिस्ट्री और सिविक्स की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो सरकार से ये मतलब अनुरोध करते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी कर दे सरकार। अभी तक हमारे जो 8 जिला बचे हैं उसमें 449 कैंडिडेट अभी तक बचे हुए हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। हम ये सरकार से मांग करते हैं। अभी तक तो वैसे सरकार की तरफ से कोई नहीं आए, बट कुछ कुछ विधायक आके हमारी बातों को सुने समझे हैं और वो हमसे गुजारिश किए हैं कि हम हमारी बातों को वो सरकार के समक्ष रखने का कोशिश करेंगे।